नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाइड करके कॉल रिकॉर्डिंग कैसे लगा सकते हैं ताकि आप ये जान सकें कि आपके पीठ पीछे कोई किसी से बात तो नहीं कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को खोल लें। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च, सर्च के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग लिख दें। कॉल रिकॉर्डिंग लिखने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ दो एप्लीकेशन आ रहे हैं, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। पहला वाला आपको यही ओपन करना है जिस पे लिखा हुआ है कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली। आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, 6 MB का ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जनरेट परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें और यहाँ से सबको अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद दोस्तों इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एंड में ऑप्शन आएगा ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, तो इसको ऑन कर दें, इसको अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद दोस्तों थोड़ा बैक जाएं, बैक जाने के बाद यहाँ से इसको भी अलाउ कर दें और यहाँ से ओके कर दें, नीचे की साइड ओके कर दें इसको। चलो मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना सकते हो ताकि आपके सिवाय इसको कोई नहीं खोल पाए। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी पूछेगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस जीमेल आईडी से आप फॉरगेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी डाल के ओके कर दें। तो फिलहाल मैंने डाल दिया और ओके कर दिया है और यहाँ पे गो इट के बटन पे क्लिक कर दें। गो इट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर तीन लाइन आ रही होंगी, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ जाना है थोड़ा। तो चलिए मैं नीचे की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है दोस्तों, इसको जो है अपनी यहाँ पे म्यूज़िक में जाना है दोस्तों। म्यूज़िक में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक कर दें ताकि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सभी यहीं पर सेव हो। सेव होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये सेटिंग दोस्तों ज़रूरी ध्यान से करें। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे ही रहने देना दोस्तों, इसको ऐसे ही रहने देना और इसको जो है दोस्तों वॉइस कॉल पर क्लिक कर दें। वॉइस कॉल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ऑडियो कैनल, इस पर क्लिक करना और इस पर एस वाले जो पहले ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे जाना है आपको 320 KBPS पे कर देना है और यहाँ से इसको पूरा इंक्रीज़ कर दें दोस्तों ताकि दोनों तरफ की आवाज़ साफ सुनाई दे। तो चलिए यहाँ से मैंने इसको पूरा इंक्रीज़ कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पूरा बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों आपको एक और सेटिंग करनी है। आपको जान इस कॉल रिकॉर्डिंग को दबाए रखें और यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें और इसकी नोटिफिकेशन को बिल्कुल ऑफ़ कर दें। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफ़ करना बहुत ज़रूरी है वरना आपको पता लग जाएगा। तो चलिए मैंने ये ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद दोस्तों हम इसको बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद थोड़ा और बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको अपने फ़ोन में सेटिंग खोल लेनी है। तो चलिए मैं अपने फ़ोन में सेटिंग खोल लेता हूँ। सेटिंग खोलने के बाद दोस्तों आपको इस ऐप को हाइड कर देना है। तो चलिए मैं इसको ऐप को हाइड कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में एप्लीकेशन हाइड करने का ऑप्शन नहीं आता है तो आप जानते हैं दोस्तों आपको क्या करना है, कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जो ऐप लॉक और जो होते हैं उसको डाउनलोड कर लेना और इसको अलाउ करके यहाँ पर अपना पासवर्ड वासवर्ड बना के इसको ऐप को हाइड कर देना। तो चलिए मैं यहाँ पर मेरे फ़ोन में ऑलरेडी है तो मैं इसको ऐप को हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा लॉक बना लिया है मैंने। लॉक बनाने के बाद थोड़ा बैक करेंगे। बैक करने के बाद दोस्तों अब चलिए मैं आपको कॉल करके टेस्ट करके भी दिखाता हूँ कि रिकॉर्डिंग होती भी या नहीं होती। तो चलिए मैंने यहाँ पे इन नंबर पे कॉल करके इसको ट्राई करते हैं। ट्राई मैंने अपने ही नंबर पे कर रहा हूँ दोस्तों। इसको ट्राई करने के बाद दोस्तों हम चेक करेंगे कि वाकई में कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऐप नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऐप को छुपा दिया था। अब हमें वापस से अपना ऐप देखना है तो यहाँ पे अपना कोड डालना होगा। आप कैलकुलेटर ऐप में देख लेना कि रिकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ अपना लॉक। ये देख सकते हो दोस्तों रिकॉर्डिंग हो गई है। ये देखो मैंने 6 सेकंड बात करी है, ये आ गया साफ साफ लिख के। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही कॉल रिकॉर्डिंग लगा सकते हो और आप अपने पार्टनर का जो भी आपको शक हो रहा है, दोस्तों शक तो ऐसा होगा नहीं, आपके दिमाग ने आपको संकेत दिया तो शक ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ राज जरूर होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।